हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अंकिताज किचन। और आज हम बनाएंगे लाव चिंगड़ी। दैट्स अ बंगाली डिश, सो लेट्स क्विकली गेट इट स्टार्टेड। फॉर द रेसिपी यू विल नीड सम चिंगड़ी, दैट इज प्रॉन्स, सम कोरिएंडर लीव्स, फाइनली चॉप सम चिलीज, कोकोनट मिल्क एंड लौकी, दैट इज बॉटल गॉर्ड। तो लेट्स गेट इट स्टार्टेड विद द कुकिंग। इन अ पैन हम लेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, यू कैन यूज वेजिटेबल ऑयल इफ़ यू लाइक। टू दैट विल ऐड द प्रॉन्स। इसको थोड़ी देर के लिए हम सॉटे करेंगे फॉर अबाउट अ मिनट विद सम सॉल्ट। आप चाहे तो इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। एक मिनट के बाद हम इसको एक प्लेट पे ट्रांसफर कर लेंगे और इसको साइड में रख देंगे। इन द सेम पैन मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और उसी में हम डाल देंगे हमारा जीरा। इसको थोड़ी देर स्प्लटर होने देंगे, उसके बाद हम डाल देंगे हमारा लौकी। हियर यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक टेंडर सा लौकी चूज़ करें। मेरा वाला उतना भी ज़्यादा टेंडर नहीं था, सो इट टुक अ लिटल लॉन्गर टू कुक। तो इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद हम डाल लेंगे सॉल्ट, इसमें थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर। आप चाहे तो नॉर्मल चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ कर रही हूँ फॉर सम कलर। इसको अच्छे से हम मिला लेंगे और इसको कवर करके विल वेट फॉर द वाटर टू रिलीज फ्रॉम द लौकी। I have cooked that for about 2 minutes. और इसको फिर से हम चला लेंगे। थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, but we need to cook a little longer. तो मैंने चिलीज डाल दिया है, उसके बाद हम डाल देंगे कोकोनट मिल्क। Here, if you don't have coconut milk, आप नॉर्मल मिल्क भी डाल सकते हैं। इसको डाल के हम अच्छे से चला लेंगे। गुड मिक्स एंड नाउ विल कवर दिस एंड कुक इट अंटिल इट्स सॉफ्ट द लौकी। हियर यू कैन सी लौकी ने पानी छोड़ दिया है एंड इट्स ऑल्सो सॉफ्ट। इसको थोड़ा सा मैं और कुक करूँगी, बिफोर दैट आई विल ऐड द प्रॉन्स। इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। We'll add some garam masala and घी। इन दोनों को डाल के हम अच्छे से कुक करेंगे। Now if you want तो आप इसमें थोड़ी सी पानी की कंसिस्टेंसी रख सकते हैं ग्रेवी, पर मैं ड्राई पसंद करती हूँ, so I've added very little water for everything to come together। तो थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको अच्छे से कुक कर लिया है। And finally, we'll add some coriander leaves. And our lao chingri is ready to be served. You can serve this with some rice. I hope you enjoyed this video. Do not forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.